इस बैंगन को काटेंगे हम कुछ इस तरीके से कि इसमें मसाला अच्छी तरह जाना चाहिए। तो उसके लिए देखिए मैं कट कैसे लगा रहा हूँ। इसमें एक कट लगेगा ऐसे और एक कट लगेगा इसमें ऐसे। सारे बैंगनों को हमको ऐसे काटना है। बैंगन को काटते हुए ध्यान रखना है कि बहुत गोल मटोल होते हैं थाली का बैंगन, ये कभी हाथ काट कटवा सकता है आपका, तो आप ध्यान से काटिए इसको वरना आपके हाथ पे ये लुढ़क जाएगा ऐसे और आपकी उंगली की जाएगी कट। तो बहुत ध्यान से काटिए बैंगनों को। देखिए इतने खूबसूरत तरीके से कटते हैं बैंगन। हम ले लेंगे आलू। ये खूबसूरत आलू मैंने धो लिए हैं, 2-3 हफ्ते से मेरे घर में पड़े थे तो इसमें ये फफूंदे निकल गए। जाटों को क्या कहते हैं इसको, इट इज़ एक्चुअली रूट ऑफ आलू। इसको अगर आप गाड़ दोगे ज़मीन में तो ये नया आलू का पेड़ उग जाएगा। तो इस आलू को लीजिए और काटेंगे हम इसको। तो इस आलू को काटने के लिए हमें पहले छिलका उतारना पड़ेगा इसका। इस आलू का छिलका उतारने के लिए मुझे इस बड़े चाकू से डर लग रहा था तो मैंने छोटा वाला ले लिया। पहले इसके ही रूट्स काटेंगे आलू की ताकि ये हम खा ना सकें। अच्छे लगते हैं तो आप खा सकते हैं। छिलका उतारने के लिए मैंने ये यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो लेट्स सी ये काम करता भी है या नहीं। काफ़ी अच्छा कर रहा है काम, बट इतना बढ़िया नहीं कर रहा। काफ़ी सख्त आलू है, ये देखो यहाँ फंस गया है। तो हम छील लेंगे कुछ इस तरीके से। आलू छीलने के लिए मैंने एक नया तरीका इजाज़ किया है, मम्मी वाला तरीका। तो आप आलू को ऐसे ऐसे रगड़ घिस भी सकते हैं ऊपर चाकू को। छिल रहा आलू। आलू कटने छिलने के बाद ऐसा कुछ लगता है धोने के बाद। जैसे भी आपको पीसेस चाहिए वैसा काट सकते हैं इसको। तो मेरे को बड़े पीसेस चाहिए आलू के। आ गया जी गंडा, छील लेंगे। जांकड़ा पाड़ देंगे, ध्यान नाल काटो। प्याज को भी काट लेंगे। हम इसका मसाला तैयार करेंगे जो इसमें भरेंगे हम। थोड़ा सा लेते हैं हम नमक, ये आपकी नॉर्मल मिर्च, भी ज़्यादा इसी लेंगे हम। देगी मिर्च, कश्मीरी मिर्च भी बोलते हैं। हल्दी, बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा लेंगे हम कोरिएंडर पाउडर। ज़रा सा लेंगे हम गरम मसाला। हमारा मसाला कुछ ऐसा लगेगा। थोड़ा सा हम डालते हैं ये कुटी हुई काली मिर्च। में डालते हैं हम जी तिल। हमारा मसाला तैयार हो गया बैंगन के लिए। अब इस मसाले को बैंगन में कुछ इस तरीके से भरेंगे हम। आधा चम्मच इसके अंदर ये ऐसे जाएगा, उसको ऐसे से दबाओ। आधा चम्मच फिर से लेके तो हम इसमें ऐसे डाल देंगे। अब होने के बाद कुछ ऐसे लगेंगे। इस बैंगन को बनाने के लिए आप कोई भी कढ़ाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं स्टील की कढ़ाई का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसमें स्वाद अच्छा आता है। वरना अगर आपके पास ऐसी कोई नॉन स्टिक पैन या कढ़ाई है तो आप उसमें भी बना सकते हैं। तो आप इसमें भी बना सकते हैं नॉन स्टिक में, बट मैं स्टील में बना। गरम कर दिया और इसके लिए मैं आज यूज करूंगा स्पेशल तेल जो कि है तिल का तेल। सो तिल का तेल इसके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा क्योंकि ठंड भी काफ़ी हो रखी है यहाँ पर, तो तिल का तेल यूज़ करना ठीक है आज। तो मैं यूज़ करूंगा तिल का तेल। तो मैंने तेल गरम हो रहा है, ये गरम हो रहा है, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा। इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा। जीरे में हम डालेंगे थोड़ी सी हींग, बिल्कुल ज़रा सी हींग लिए डालेंगे। हमारा जीरा गर्म हो जाएगा, इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी अदरक की पेस्ट। ध्यान से उछलेगी ये। थोड़ी सी हम डालेंगे इसमें जिंजर पेस्ट। इसको अब हमें हिलाना है थोड़ा सा, तो ये छीटे ना मारे तो हम इसको ढक भी सकते हैं।
हाँ, बहुत अच्छी महक आ रही है, बहुत बढ़िया। अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को अच्छी तरीके से क्रश करके डालना है, इस तरीके से। तो कसूरी मेथी सड़नी नहीं चाहिए, तो उसके लिए हल्का सा पानी डालेंगे इसमें। बिल्कुल जरा सा पानी लिया मैंने, पहले इसको निकाल लेते हैं। देखो नीचे चिपक रहा है, तेल तो भी डलेगा और इसमें हल्का सा जरा सा पानी डलेगा। हाँ हाँ, क्या खुशबू है। इसके अंदर हम डाल देंगे फाइनली चॉप्ड ऑनियन। दिस इज नॉट फाइनली चॉप्ड बट इट इज स्लाइस्ड। थोड़ी सी गैस मैंने मीडियम पे कर दी, अब इसको हम हल्का हल्का भुनेंगे। एक चुटकी नमक, देख सकते हैं। तेल और बिल्कुल थोड़ा सा, 2 चम्मच भर के तेल। गैस को कर दिया वापस स्लो। बिकॉज स्टील इज द बेस्ट थिंग, बट ये जल्दी गर्म हो जाता है। ये थोड़ा जलने लग गया, तो इसमें हल्का सा मैं पानी डालूंगा। जलना नहीं चाहिए। अब इसके अंदर मैं डालूंगा थोड़े से आलू जो हमने काटे थे। लो जी, आलू दिया। ये आलू बड़ा मोटा है। इस आलू को फिर से काटता हूँ। ये आलू भी इसमें आ गया। इस रेसिपी में थोड़ा सा तेल तो ज़्यादा डलता है क्योंकि बैंगन एक्चुअली में फ्राई होते हैं। और आप कोई भी कढ़ाई यूज़ करिए या पैन यूज़ करिए, उसका ढक्कन ज़रूर हो, ऐसा वाला नहीं, क्योंकि ये ढक्कन बंद करके फ्राई होता रहता है धीरे धीरे। आलू अपना पानी छोड़ दे, इसलिए मैंने इसमें नमक भी डाला। हल्का सा 1 चुटकी नमक फिर डालूंगा, ताकि आलू अपना अच्छी तरीके से पानी छोड़ दे। तो मैंने गैस को मीडियम पे किया है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये हमारे बैंगन थे, इसको एक एक करके मैं इसमें डाल देता हूँ आराम आराम से। इसको बहुत ज़्यादा हिलाना नहीं है। क्योंकि इस बैंगन में तेल नहीं है, तो थोड़ा सा तेल और डलेगा उसमें। सो अब
ध्यान रखिए सरसों का तेल नहीं है हमारा, सीसम तेल जो तिल का तेल होता है। इसको बहुत ही प्यारे प्यारे हाथों से घुमाना है ताकि सारे बैंगन हमारे अच्छी तरीके से ऑयल से कोट हो जाएं नीचे तक। अच्छा मसाला मेरे को इसमें लग रहा है अभी वो है किचन किंग मसाला, तो किचन किंग मसाला डालेंगे इसमें। Five minutes later. बैंगन अच्छी तरह पक रहे हैं। बैंगन मैंने आग तेज कर दी है काफी ताकि इसका पानी जो है वो सूख जाए। इसका पानी सुखाना है हमने, तो मैंने आग इसकी बिल्कुल ही तेज कर दी है। ये पकते रहेंगे इसके अंदर। ये मैंने ओपन कर दिया। अब इसमें थोड़ी सी फ्रेशनेस डाली जाए। तो इसमें मैंने ये बहुत सारी मोटी मोटी मिर्चें हैं जो, तो थोड़ा सा धनिया मैं गार्निश के लिए रखूंगा, थोड़ा सा अभी डालूंगा। और धनिया की जो डंडियां होती हैं असली स्वाद उसी में ही होता है। आलू देख सकते हैं दबा के काफ़ी गल गए हैं, अच्छे हैं। अब ये असली बैंगन जो पकेगा अब ये अपने रस के अंदर पकेगा, फ्राई होगा, तो इसको बिल्कुल स्लो आंच पे पकाना है। नमक एकदम परफेक्ट। इसको थोड़ी देर अपने रस के अंदर पकने देते हैं। 15 minutes later. हमारे बैंगन लगभग तैयार हो चुके हैं। तो 15 मिनट में ये लगभग तैयार हो चुके हैं। वो नीचे ना चिपके इसलिए मैंने खोल दिया, तो नहीं चिपके क्योंकि बैंगन में काफ़ी जूस होता है, तो जूस में इसको पकाना बहुत ज़रूरी है बैंगन पकाने के लिए। तो ये बहुत बढ़िया बैंगन एकदम मस्त तैयार हो गए हैं लगभग। इसको हम गार्निश कर देते हैं थोड़ा सा, इसके अंदर डालेंगे हम थोड़ा सा धनिया। और ये बढ़िया से बैंगन तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं इसको। बहुत बढ़िया। तो ये थे हमारे तिल के बैंगन, भरवा बैंगन। उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी और आप ज़रूर बनाएंगे, ट्राई करेंगे घर पे मेरी रेसिपी। तो अलकॉकी फिल्म्स देखने के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।